अभी हम कुटिया मार्केट का जो ज्वेलरी सेक्शन है, ज्वेलरी सेक्शन में आए हुए हैं। कोई भी चीज को सर्च करने का कोशिश करें, एक बार आपको एक शॉप मिलने से आपको लाइन से खुलते रहते हैं। हैंड बेल पैटर्न, हैंड बेल का बहुत ही अच्छा वैरायटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। अभी हम कुटिया मार्केट का जो ज्वेलरी सेक्शन है, ज्वेलरी सेक्शन में आए हुए हैं। यहाँ पे जो लार्ज क्वांटिटी में जो लोग इमिटेशन ज्वेलरी का काम करना चाहते हैं, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। आप लोग देखिए, और मैं रैंडम कोई भी दुकान में घुसूंगा तो वहाँ पे रेट पूछते हुए जाऊँगा, तो आप लोग फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे इमिटेशन ज्वेलरी का पूरा एकदम भरमार है और बहुत दुकानें हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। अभी हमें सामने एक दुकान है, वहां घुसता हूँ। एनी हाउ, हाउ मच दिस? ये 10 yen का है। इस टाइप का बहुत बहुत डिजाइन लगा हुआ है। क्वालिटी वाइज ही बहुत बढ़िया है क्वालिटी। ये आपका इयर रिंग्स, एनी हाउ हाउ मच दिस वन? 10 RMB का है। हम तो वन पीसा वन डजन। ये 12 पीस का दाम बता रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा आपको लेने का जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ 12 पीस ले सकते हैं। 12 पीस का रेट बता रहे हैं लोग। ये आपका यहाँ पे भी सेगमेंट टाइप का बना हुआ है, जहाँ आपको फल का आइटम मिलेंगे तो लाइन से फल का आइटम मिलते रहेंगे। जहाँ पे नेकलेस वगैरह है तो नेकलेस, तो जब भी आप कोई भी चीज को सर्च करने का कोशिश करें, एक बार आपको एक शॉप मिलने से आपको लाइन से मिलते रहते हैं। ये जैसे ये भी एक पल का बहुत ही अच्छा शॉप है, पल ज्वेलरी चेन। हाउ मच दिस वन? हाउ मच? 20। ये 20 RMB का है पल, क्वालिटी भी पल क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे एक्चुअली डिजाइन का बात है ना, इसलिए हर दुकान अलाउ नहीं करता है फोटो लेने के लिए, और जो अलाउ करते हैं हम लोग वहाँ घुसेंगे, जो अलाउ नहीं करते वहाँ जाने का जरूरत ही नहीं है। तो मैं बाहर बाहर से आप लोग को दिखाने का कोशिश करूंगा, और जहाँ पे अलाउ करेगा तो वहाँ जाकर मैं रेट भी पूछूंगा, आप लोग को बताऊंगा भी। तो चलिए सामने का तरफ जाते हैं। यहाँ ब्रेसलेट वगैरह है, डायमंड ब्रेसलेट। हाउ मच? 35 RMB का है। एक्चुअली क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। हाउ मच पीस मिनिमम? हाउ मेनी पीसेस मिले? 120। 120 पीस आपको लेना है। और ये आपका इयर रिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइम का इयर रिंग है। यहाँ हाउ मच दिस सेट्स? हाउ मच? 3 RMB। ये 3 RMB में आपको पूरा ये सेट मिलेंगे। क्वालिटी भी थोड़ा सोसो है, तो आपको हर तरीके का मिलेगा, अच्छा क्वालिटी, सोसो क्वालिटी, जिसमें भी एक साथ
बहुत सारा है। हाउ मच दिस? 1.8 आरएमबी में आपको मिल जाएगा पूरा। तो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम आपको मिलेंगे। शेशे ये आपका गोल्ड ज्वेलरी, आपका बैंगल्स वगैरह बना हुआ है डिजाइन है। हाउ मच दिस वन? ये 15 आरएमबी का है। नाम भी मोटामोटी ठीक है। अच्छा अच्छा ये हेयर क्राउन है, यहाँ डायमंड्स हेयर क्राउन। हाउ मच दिस वन? फ्रेंड्स अभी गोप्रो का बैटरी खत्म हो गया था, मैं नया बैटरी में डाला हूँ। यहाँ पे जो यंगस्टर वगैरह लोग, यंगस्टर लोग जो हैंड बेल्ट पहनता है ना, हैंड बेल्ट का बहुत ही अच्छा वैरायटी है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये आप हमने देखो, दाम भी पूछता हुआ चलूंगा। हाउ मच दिस वन? थ्री में आपको इतना सारा मिल जाएगा। ये आपका बहुत सारा वैरायटी यहाँ पे है। 10-3 आरएमबी का वो था। ये हाउ मच? 3.5। आरएमबी का है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, बढ़िया है। यहाँ पे लॉकेट्स वगैरह है बॉयज के लिए। एनी हाउ यहाँ ये दुकान में सब व्हाइट डायमंड्स का था। व्हाइट डायमंड्स का तो बहुत सारा दुकान में देखा हूँ, और ज्वेलरी का तो उतना नॉलेज नहीं है। जो भी सामने आ रहा है मैं दिखाते जा रहा हूँ, जो इसका एक्सपर्ट होगा उसको तो जरूर पता होगा कि क्या चाहिए नहीं चाहिए। ये और हैंड बेल्ट का और एक टॉप है, ये भी दिखा देता हूँ। हाउ मच दिस वन? लुधियाना 4.8 का है। इसमें 4-5 आ जाएंगे एक साथ, वो 1.8 का भी है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट डिफरेंट का रेट भी आएगा। ब्रेसलेट का अच्छा कलेक्शन यहाँ। बढ़िया बढ़िया डिजाइन है यहाँ पे। अभी ऑफ द कैमरा ऑफ करने के बाद मैं उससे पूछा, जो होलसेल में जिसका प्राइस वो बता रहा है कि 11 आरएमबी, क्या मैं उससे 21 मांगा? 21 तो नॉर्मली लोग देता नहीं, तो वो एग्री हुआ 21 देने के लिए। उसका रेट वो मांग रहा है 120 आरएमबी, आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब ये लोग जानबूझ के दाम बढ़ा के भी बोलते हैं, क्या जबकि ये लोग को रिटेल वाला लोग परेशान ना करे, आरे लोग को होलसेल में बेचना भी है। तो यहाँ रिटेल में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसके किसी का पास अगर 1-2 पीस रह गया तो भी वो आपको पसंद नहीं आएगा, ये वाला चक्कर है। यहाँ मेनली होलसेल का ही काम है। ये और एक हाउ मच दिस वन? ये 15 आरएमबी का है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये इयररिंग वगैरह, यहाँ पे रिंग्स है। हाउ मच दिस वन? 1.5 आरएमबी का है। कोई भी लो, बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ चाइना में एक बात आपको मानना पड़ेगा, आप कोई भी शॉप में घुसो, आप चाहे वो लो या ना लो, लेकिन वो पहले आपको रेस्पेक्ट में आएंगे, आपको रेट बताएंगे। अगर उसका साथ डील होता है तो भी
बहुत ही खुश दिल नहीं भी होता है तो भी ठीक ही है, कोई टेंशन नहीं है। एक दुकान है जहाँ चेन्स वगैरह एकदम बड़ा बड़ा मोटा मोटा चेन्स। एनी हाउ हाउ मच दिस वन, हाउ मच? ये शॉप में जो भी है सब कुछ डायमंड से बना हुआ है, मतलब गोल्डन सिल्वर जो भी आप लो वो डायमंड ओपन डायमंड से बनाया गया हुआ है। एडी डायमंड जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। ये आप देखो ब्रेसलेट, लेकिन मुझे भी शौक था कि दो एक ले लूं, लेकिन ये लोग के पास है ही नहीं तो कुछ करने का तो अपना है ही नहीं। इस भाई साहब को मैंने दाम पूछ लिया, परेशान हो जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे लेडीज लोग ही सब कुछ देखते हैं, ये पार्ट टाइम बैठा होगा संडे का दिन, इसको कुछ भी नहीं पता। अभी ये व्हाट्सएप वीचैट, वे लोग का व्हाट्सएप नहीं चलता, वीचैट करेगा अपना वाइफ को, फिर पूछेगा फिर बताएगा। तो अभी तो भाई साहब टाइम ले रहे हैं, मैं निकलता हूँ, वो तो अभी बाद में आऊंगा। ओके ब्रदर, नो प्रॉब्लम, लेता हूँ। ओके उसको मैंने परेशानी में डाल दिया था, वो उछाट कर रहा है, यहाँ देख रहा वहाँ देख रहा। मैं बोला ठीक है बाद में आता हूँ। अपने को क्या, अपने को तो खाली रेट चाचना था, अपना भाई लोग को दिखाना था। तो अभी ये पूरा एक मतलब यहाँ पे जो कुतियान मार्केट है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट होता है 1, 2, 3, 4 ऐसा करके। तो अभी जो नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट का ग्राउंड फ्लोर छोड़ के पूरा ऊपर का तरफ पूरा सा ज्वेलरी सेक्शन ही है। तो बहुत बहुत सारा दुकान है, बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा वैरायटी है। तो आपको जिस टाइप का चाहे तो आप यहाँ के कुछ टाइम स्पेंड करो, पहले जांचो, उसका बाद अपना डील करो, आपको बहुत ही अच्छा डील मिलेगा। ब्रेसलेट वगैरह है तो यूनिक डिजाइन में, नेकलेस यहाँ पे, और एक हैंड बेल्ट का शॉप। और यहाँ भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, इयर रिंग का शॉप। एनी हाउ हाउ मच दिस वन, का है तो इस टाइप का गुड क्वालिटी, ऑल 1.3 RMB। दिस साइड दिस वन ये भी बहुत ही अच्छा है, 1.8 RMB का है, बहुत ही अच्छा है। मतलब हाथ में लेने से इसका फील सजा रहता है। इस टाइप का बहुत सारा ये फोटो लेने के लिए मुझे बोल रहा है कि आप दिखाओ। अजीब वो गरीब का, कोई बोलता है कि मेरा पूरा प्रोडक्ट आप दिखाओ, कोई बोलता है कि आप वीडियो मत लो। तो उस हिसाब से जो अलाउ करते हैं तो उसका मैं दे देता हूँ, जो अलाउ नहीं करते तो क्या कर सकते हैं। मैं नहीं आऊँ। ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी भी मैं चाइना का यू सिटी में ही हूँ, यहाँ पे सारा दूसरा ऑप्शन आप लोग को दिखाने का कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए वो आपका पुतियान मार्केट का ज्वेलरी सेक्शन से, बाय बाय।